हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू कैट्स टेलर्स ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया था, हमने किया था फिलेट, चैम्फर और ब्लेंड कर्व्स। ओके, सो आई होप आपको ये कमांड्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इरेज कमांड, एक्सप्लोड कमांड, ऑफसेट कमांड और पास है लेंथन कमांड और हमारे पास है ज्वाइन कमांड। ओके, सो आज ये हम पांच कमांड्स करके देखेंगे कैसे इनको यूज करते हैं और कैसे इनको अप्लाई करते हैं। सो आइए वन बाय वन इनको करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो मेरी कमांड है वो इरेज। सो इरेज का मतलब क्या है? किसी चीज को इरेज करना, मिटाना। ओके, जैसे मैंने पेंसिल से कोई स्केच बना रखा है तो उसे इरेज करना। सो इरेज किस तरह से करते हैं, मैं स्केच बना लेता हूँ, कोई कुछ भी मैंने बना लिया यहाँ पे रफली। ओके, इसको मैं इरेज करना चाहता हूँ, ठीक है। एक होती है आपकी ट्रिम कमांड, जो आपकी लाइन इंटरसेक्ट हो रही होती है उसको ही आप ट्रिम कर सकते हो। बट इरेज में क्या है, आप पूरी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हो। यहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और इसकी शॉर्टकट की होती है ई एंटर। ई एंटर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑल और एंटर। ओके, सो इरेज इस तरह से यूज होती है। और एक्सप्लोड किस तरह से यूज होती है, एक्सप्लोड में हम क्या करते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगल है। ओके, सो जैसे मैं अभी लास्ट जो मैंने वीडियो करवाई थी उसमें हम ब्लेंड कर्व यूज कर रहे थे। सो ब्लेंड कर्व में क्या था, जैसे मैं BLE आपको दोबारा लगा के दिखाता हूँ। सो यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, बट वो एक ही ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट की ऑप्शन मेरे को दिखाई नहीं रहा। तो अगर मैं सेकेंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँ तो ये कमांड ऑफ हो जाएगी, मतलब उसने सेकेंड ऑब्जेक्ट की मुझे ऑप्शन नहीं दी। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये एक ही ऑब्जेक्ट है, इसमें बेशक मेरे पास चार लाइन्स है पर ये ऑब्जेक्ट एक है, आप देख सकते हो इसको, ये पॉलीलाइन लेयर में बना हुआ है। सो पॉलीलाइन को मुझे लाइन में कन्वर्ट करना होगा ताकि ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ जाएं। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको एंड पॉइंट से ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एक्सप्लोड कमांड यूज करता हूँ। सो एक्सप्लोड कमांड में यहां से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसकी शॉर्टकट की होती है एक्स एंटर। सो एक्स एंटर जैसे मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर, आप देख सकते हो इसकी लेयर चेंज होगी, ये लाइन में कन्वर्ट हो गया। सो एक्सप्लोड कमांड में इस चीज के लिए यूज करता हूँ। तो इसी के साथ मेरे पास एक कमांड और आती है ज्वाइन। मान लीजिए इसे अगर मुझे दोबारा पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना हो, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा ज्वाइन कमांड। सो ज्वाइन की शॉर्टकट ये होती है जे एंटर। सो जैसे मैंने जे एंटर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑल एंटर, तो आप देख सकते हो वापिस ये मेरे पास पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। तो इसको दोबारा अगर लाइन में कन्वर्ट करना हो तो एक्सप्लोड सिलेक्ट कीजिए एंटर, दोबारा ये लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पॉलीलाइन टू लाइन और लाइन टू पॉलीलाइन आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है ऑफसेट की। तो ऑफसेट कमांड में कहाँ यूज करता हूँ, जहां पे मेरे पास सिमिलर ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे को डिस्टेंस पे चाहिए। ओके, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रेक्टेंगल दे रखा है, तो रेक्टेंगल मुझे एक डिस्टेंस पे चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे ऑफसेट सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे पूछ रहे डिस्टेंस थ्रू, मैं कितना दे रहा हूँ डिस्टेंस, यहाँ पे 10 mm का डिस्टेंस दे रहा हूँ। सो मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, आप देख सकते हो ये डिस्टेंस मेरा क्रिएट हो रहा है। आप जिस डायरेक्शन में इसको सिलेक्ट करोगे उस डायरेक्शन में ये ऑफसेट क्रिएट होता जाएगा, ये देखिए। ओके, इस तरह से हम ऑफसेट यूज करते हैं। और एग्जिट करोगे तो एग्जिट हो जाएगा, अंडू करोगे तो वापस रिटर्न हो जाएगा। सो मैं एग्जिट कर रहा हूँ, अगेन इसकी शॉर्टकट की होती है ओ एंटर। ओके, अब थ्रू में क्या पूछ रहे वो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किसको ऑफसेट करना है, इसको करना है, और किसके थ्रू करना है, पॉइंट थ्रू यहां तक करना है, ठीक है ना। तो थ्रू की जो ऑप्शन है वो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। एग्जिट करते हैं, अगेन ऑफसेट एंटर। अब यहाँ पे इरेज पूछ रहे हैं, सो इरेज के लिए पूछ रहा है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑफसेटिंग, यस और नो। मेरी डिफॉल्ट जो है वो नो रहती है, बट अगर मैं यस करूंगा तो आप देखिएगा कि अगर मैं जैसे डिस्टेंस यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 का डिस्टेंस फिल कर दिया, तो जो मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट था वो इरेज हो जाएगा, ये देखिए एक ही ऑब्जेक्ट रहा ना मेरा। सो अगेन ऑफसेट करके देखते हैं, मैं इरेज जो है ऑफ कर देता हूँ, यहाँ पे नहीं करना चाहता, और डिस्टेंस कितना दे रहा हूँ, अगेन 10 ही दे रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे मैंने इसको ऑफसेट किया तो आप देख सकते हो इसको, मेरा सोर्स ऑब्जेक्ट वहीं रहा और मेरा ऑब्जेक्ट भी ऑफसेट हो चुका है। ओके, सो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। ओ एंटर अगेन। अब यहाँ पे लेयर की ऑप्शन आ रही है, अब यहाँ पे पूछ रहे एंटर लेयर ऑप्शन फॉर ऑफसेट ऑब्जेक्ट्स, करंट बनानी है या सोर्स, मेरे को जो बनानी है वो लेयर बनानी है। सो मेरे को सोर्स लेयर बनानी है, सो मैं सोर्स यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस पूछ रहे हैं, सो ऑफसेट डिस्टेंस कितना करूंगा मैं, 10 करूंगा। सो जिसको भी मैं ऑफसेट करूंगा वो मेरी लेयर में बन जाएगी, वो मेरी
लेयर में कन्वर्ट हो गई, जो भी मेरी करंट लेयर होगी उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो लेयर प्रॉपर्टीज भी मैं आपको करवाऊंगा, वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, लेयर प्रॉपर्टीज किस तरह से यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है लेंथन कमांड। सो लेंथन कमांड कहाँ से आती है? यहाँ से। ओके, सो लेंथन कमांड किस लिए यूज होती है? हम किसी की लेंथ चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं स्केल में कर रहा था और जैसे मैंने स्ट्रेच कमांड में भी किया था, ठीक है। तो इसी तरह से लेंथन कमांड में और भी ऑप्शंस आती है, वो हम देख लेते हैं। तो इसी के लिए मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, जैसे मैंने एक लाइन लगाई ऑर्थोन करके, मैंने एक लाइन लगाई, इसकी डायमेंशन चेक कर लेते हैं, डायमेंशन मॉडिफाई कर लेता हूँ मैं यहाँ से। तो आप देख सकते हो इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 364286 कॉमा आ रहा है इसमें। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स में जाके पीरियड डाउन कर लूंगा, ओके, सेट करंट, क्लोज। तो आप देख सकते हो इसकी डायमेंशंस कितनी आ रही हैं, 3642.86, काफी ज्यादा हो गई है। मैं जेड एंटर ए एंटर अप्लाई कर लेता हूँ। ओके, तो मेरी जो लेंथ है वो इतनी आ रही है, मैं क्या करता हूँ, लेंथन कमांड ले लेता हूँ। लेंथन की शॉर्टकट की होती है LEN एंटर। सो जैसे मैंने लेंथन कमांड सिलेक्ट की तो पूछ रहे सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, मैंने जैसे ही सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया तो वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देख लो करंट लेंथ दिखा रहा है मुझे 3642.8557। तो जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की थी, जो यहाँ शो हो रही थी, वो यहाँ पे भी शो हो जाएगी। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो तो इस तरह से भी देख सकते हो, किसी की भी लाइन देख सकते हो आप, लाइन की भी देख सकते हो, आर्क की भी देख सकते हो आप, किसी की भी लाइन देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आर्क ले लेता हूँ एक, मैंने फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये एक आर्क लगाई। ओके, सो इसमें मैं दो तीन चीजें देख लेता हूँ, जैसे LEN एंटर और मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, तो आप देख सकते हो करंट लेंथ जो आर्क की लेंथ है वो इतनी आ रही है, इंक्लूडेड एंगल कितना आ रहा है 91। अब जो 91 एंगल है वो भी मैं चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है, आर्क एंगल चेक कर लेते हैं किस तरह से आ रहा है 91। ओके, मतलब ये मुझे एग्जैक्ट वैल्यू दिखा रहा है। ओके, सो मैं दोबारा लेंथन कमांड सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट में तो वो सिर्फ आपको लेंथ और आर्क की लेंथ या ऑब्जेक्ट की लेंथ वही दिखा रहा है, या उसके जो भी पैरामीटर्स हैं वही दिखा रहा है। ओके, सो इसके आगे जो ऑप्शन है वो मेरे पास क्या है, डेल्टा। डेल्टा में मेरे पास पूछ रहा है डेल्टा लेंथ। अब डेल्टा लेंथ किसकी दे रहा है, वो लाइन की लेंथ पूछ रहा है। अब लाइन की लेंथ मेरे पास कितनी आ रही है, 30 समथिंग कुछ, 65 समथिंग कुछ वैल्यू आ रही थी। सो मैं एंटर डेल्टा लेंथ, डेल्टा लेंथ मतलब कितनी इंक्रीज करना चाहते हो। तो मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू 30 आ रही है, या मैं 100 वैल्यू ले लेता हूँ, इतनी वैल्यू मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, सो मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से देख सकते हो आप वैल्यू इंक्रीज होती हुई दिख रही होगी आपको। आप एक बार सिलेक्ट करो, जितनी बारी भी आप सिलेक्ट करोगे उतनी बारी ये इंक्रीज होती जाएगी। ये देखिए जिस भी साइड आप सिलेक्ट करोगे उस साइड इंक्रीज होती जाएगी। सो मैं इसको कंट्रोल जेड करके देखता हूँ, मैं एक ही बार सिलेक्ट करके देखता हूँ इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही। ओके, सो मैं इसको एस्केप करता हूँ, इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं, LEN एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हो 3742.8557, पहले कितना था 3642, 100 इंक्रीज होगी। ओके, सो आगे इसको दो बार और इंक्रीज करके देख लेते हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से। तो देखते हैं 200 वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही। तो अब की बार 3942 आना चाहिए। LEN एंटर, डेल्टा लेंथ कितनी है 100, डिफॉल्ट वैल्यू वही उठा लेते हैं, यहाँ से 100 और यहाँ से भी 100। ओके, सो अगेन LEN एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस बारी 3942.857। ओके, सो ये वर्क करती है, आप इसमें लेंथ या किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को एडिट भी कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं डेल्टा में ही एक और ऑप्शन आ रही थी मेरे पास, एंगल। अब एंगल किस लिए आ रहा है, एंगल आ रहा है आर्क के लिए, जो मैंने आर्क यहाँ पे बना रखी है। सो एंगल कितना आ रहा है मेरे पास, 91 आ रहा है। सो यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट एक 20 वैल्यू ले रखी है, मैं यहाँ पे 10 वैल्यू ले लेता हूँ मान लो। सो ये 10 वैल्यू तक इंक्रीज हो जाएगा, जैसे मैं इसको एंटर करूंगा आप देख लीजिए 91 से ये 101 हो गया। आप जिस भी डायरेक्शन में इसको सिलेक्ट करोगे उसी डायरेक्शन में इसकी लेंथ जो है वो चेंज होती जाएगी। मैंने इस साइड लिया था, अभी मैं एंगल सेम वैल्यू ले लेते हैं 10 की और इस साइड से इसको सिलेक्ट करते हैं एंड एंटर। आप देख लीजिए यहां से भी इंक्रीज हो गया। ओके, सो इस तरह से ये लेंथन कमांड वर्क करती है। लेंथन कमांड में और भी ऑप्शन हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास परसेंटेज आ रही है, अब परसेंटेज कैसे वर्क करती है,
मेरे पास जैसे मैंने स्केल कमांड यूज की थी, स्केल फैक्टर यूज किया था, स्केल फैक्टर किस तरह से यूज किया था, अगर मैं स्केल फैक्टर 1 दे रहा हूँ तो वो वैल्यू एज इट इज रहेगी। जैसे मैं यहाँ पे अगर परसेंटेज 100 दे दूँ, जो भी मेरा कॉम्पोनेंट बना हुआ है, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट बना है, वो 100% ही होता है या 1% होता है या उसका स्केल फैक्टर 1 होता है। ओके, सो मैं इसको 100% दे दूँ अगर, और किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ तो वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, सो इसको एस्केप करके अगर मैं दोबारा लेंथ एन कमांड सिलेक्ट करूँ और परसेंटेज अगर मैं 50 कर देता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट जो है हाफ हो जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो वो लेंथ हाफ हो जाएगी। आप चाहे इस साइड से सिलेक्ट करो, चाहे आप इस साइड से सिलेक्ट करो। ओके, जिस भी साइड से सिलेक्ट करोगे वो साइड रिमूव हो जाएगी। सो आप इसकी लेंथ चेक कर सकते हैं, एल ई एन एंटर, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हाफ हो चुकी है। ओके, सो इस तरह से ये कमांड वर्क करती है। अगेन लेंथ एन कमांड देख लेते हैं। अब थर्ड जो ऑप्शन आ रही है वो आ रही है टोटल। अब मुझे टोटल कितनी लेंथ चाहिए, मान लीजिए मुझे टोटल लेंथ चाहिए 500। सो मैं 500 लेंथ ले लेता हूँ और मैंने लेंथ सिलेक्ट की, तो जिस भी साइड से आप लेंथ सिलेक्ट करोगे उस साइड से ये चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं इसकी डायमेंशन देखूँ, अगेन एल ई एन एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप देख सकते हैं इसकी 500 लेंथ आ चुकी है। ओके, सो इसके साथ लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, डायनेमिक। अब इसमें डायनेमिक ऑप्शन है लास्ट। डायनेमिक क्या मतलब है कि ये इसको फ्री हैंड रख देता है, इसको फ्री कर देता है कि यार जितना मर्जी मूव कर सकते हैं। ओके, वो किस तरह से देखते हैं दोबारा। मैं डायनेमिक ऑन कर रहा हूँ और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको मैं फ्री कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको जितना मर्जी इंक्रीज कर सकता हूँ, ये देखिए। ओके, अगर मेरे पास कोई पॉइंट दे रखे मैं उस पॉइंट तक सिलेक्ट कर सकता हूँ, इस आर्क को मैं जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकता हूँ, जितनी मर्जी इसकी लेंथ इंक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज कर सकता हूँ सिंपली। ओके, इसी के साथ इसका एंगल भी चेंज होता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये कमांड भी अच्छे से समझ में आ गई होगी, काफी हेल्पफुल कमांड है। आप प्रैक्टिस करिए, यूज करिए, और अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें भी अप्लाई करके देखिए। काफी सारी कमांड्स है जो यूजफुल रहती हैं और उनकी हेल्प से आप कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रोजेक्ट को भी इजी से बना सकते हो। ओके, सो ये सारी कमांड्स बहुत हेल्पफुल रहती हैं, इनको अच्छे से कीजिए। एक एक कमांड बहुत हेल्पफुल रहती है इसकी। ओके, सो ड्रॉ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इसमें अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।